उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पटियाली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पटियाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हरगैन में रामकिशोर की छत पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ा है। इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से बने अधबने शस्त्र एवं भारी मात्रा में बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। उक्त फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। देखिए, हमारे कासगंज पुलिस को और हमारे जो थाना पटियाली टीम को बहुत एक अच्छी सफलता मिली है। पटियाली में पहले अपने जो थाना प्रभारी गंगा प्रसाद और उपनिरीक्षक श्री अमरेश सिंह को बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने एक ये जो बरगेन कस्बा है, जो गांव है, वहाँ पे एक अवैध रूप से संचालित एक शस्त्र फैक्ट्री को जो उसका बांडा हमने फोड़ा है और उसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। अभियुक्त का नाम है एक रामकिशोर उर्फ डब्बू, ये भी बरगेन का रहने वाला है, बरगेन का, और वसीम का, ये दो पकड़े गए हैं। ये रामकिशोर के घर के ऊपर ये अवैध शस्त्र बनाते थे और पूछताछ के दौरान हमें यही पता चला कि एक मुकेश नामक एक हार्डवेयर शॉप डीलर भी है जिनसे ये लोग ये खरीदते थे। और अभी पूछताछ चल रही है और विवेचना में ये हमें ये भी पता चलेगा कि क्या मुकेश ये सब जानते थे। और दूसरी बात है, ये सप्लाई करते थे एक बरगेन का ही रहने वाला छोटे का, तो हम लोग इन सबके लिए अभी छोटे कान और मुकेश के लिए हम प्रयासरत हैं और उनको भी जल्द से जल्द हम अरेस्ट करें। कितना असला बरामद हुआ है? फिलहाल अभी 6 अवैध तमंचा 315 बोर के और 5 अवैध जिंदा कारतूस और 1 अवैध कोका कारतूस भी मिला है 315 बोर की है और 10 नाल मिले हैं जो 315 बोर के और भारी मात्रा में हमें अधबने शस्त्र और शस्त्र बनाने का जो उपकरण है वो भी मिले। कहाँ का सप्लाई होती है सर? देखिए, फिलहाल अभी हम लोग अभियान चला रहे हैं और मैंने पूरा आपने जितना भी हिस्ट्री है शस्त्र अभियान अभी तक जितने भी ये अवैध शस्त्र बनाने वाले फैक्ट्री है उसमें अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है उसका हम लोग डिटेल्स ले रहे हैं। उसके बाद अभियान चलाएंगे और जरूर इस पर टूट पड़ेंगे और कहीं पर भी कुछ भी अवैध शस्त्र बनाने का कोई भी फैक्ट्री हो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और नेटवर्क को हमारा यही मकसद है कि जो इनका नेटवर्क है उसको जड़ से हम लोग निकालें। कहाँ कहाँ बेचे जाते हैं, कितने बेचे जाते हैं सर? फिलहाल अभी तो पूछताछ चल रही है, इतना ही हमें पता चला है कि ये एक छोटे कान है जिनको ये अभी फिलहाल सप्लाई करते हैं। अभी छोटे कान को भी हम पकड़ेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा ये कहाँ कहाँ पे भेजते थे, क्या क्या है। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम लोग पूरा नेटवर्क को एक समूल रूप से हम लोग उसको जड़ से तोड़ने का प्रयास करें। ठीक, थैंक यू। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।